हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। 1500 क्वेश्चन सीरीज में 945 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज उसके बाद वाले क्वेश्चन करेंगे। और क्लास कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसने सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिशीलता ने समाजशास्त्र का विभाजन किया? एफ एंजल्स, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्टे, सेंट साइमन। राइट आंसर बताइए। किसने सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिशीलता में समाजशास्त्र का विभाजन किया? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड, अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट ने बताया है कि सामाजिक स्थायित्व की ये हमारा ध्यान केंद्रित करता है कि समाज में व्यवस्था कैसे बनाए रखनी है, और सामाजिक गतिशीलता इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि समाज समय के साथ कैसे बदलता है। अगस्त कॉम्टे ने सामाजिक गतिशीलता से अलग किया। उनका उद्देश्य था कि समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान बनाना जो मानव जात के पिछले विकास की व्याख्या करेगा और इसके भविष्य के बारे में भी बताएगा। तो इसमें ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है, सामाजिक स्थिति की जो समाज में व्यवस्था बनाए रखता है, और सामाजिक गतिशीलता जो समय के साथ नए नियमों के साथ समाज में बदलाव लाता है। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जात के रूप में घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 275। राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजात घोषित किया जा सकता है? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है अनुच्छेद 342। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। अनुच्छेद 342 के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजात के रूप में घोषित किया जा सकता है, और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों के लिए वह प्रक्रिया अपनाता है जैसा वह अनुसूचित जातियों के लिए अपनाता है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है लुईस कुजर और रेंडॉल कॉलिंस दोनों को, लुईस कुजर और रेंडॉल कॉलिंस दोनों को संघर्ष स्कूल के तहत रखा गया है। कारण में दिए गए, यह दोनों समाज को बनाए रखने में संघर्ष के प्रकार पर प्रकाश डालते हैं। ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। राइट आंसर क्या होगा? लुईस कुजर और रेंडॉल कॉलिंस दोनों को संघर्ष स्कूल के तहत रखा गया है, और ये दोनों समाज में व्यवस्था बनाए रखने संघर्ष के कार्य पर प्रकाश डालते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। समाजशास्त्र में संघर्ष सिद्धांत ये हमें बताता है कि समाज में सत्ता और प्रभुत्व के लिए निरंतर संघर्ष होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अध्ययन करने से लोगों को डेटा का विश्लेषण करने में मदद मिलती है क्योंकि वह सीखते हैं। साक्षात्कार तकनीक, आंकड़े लागू करने के लिए, सिद्धांत उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त सभी। राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र का अध्ययन करने से लोगों को डेटा विश्लेषण करने में मदद मिलती है, क्योंकि वह सीखते हैं साक्षात्कार तकनीक, आंकड़े लागू करने के लिए, सिद्धांत उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप लेवी स्ट्रॉस, अंडमान द्वीप समूह मैलनोवस्की, पश्चिमी प्रशांत के आर्गोनॉट्स, इमाल दुर्खीम, संरचनात्मक नृविज्ञान ब्राउन। और ऑप्शन में है 3 4 2 1, 1 3 2 4, 4 1 3 2, 1 4 2 3। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप, इसमें राइट आंसर है ये है इमाइल दुर्खीम का। अंडमान द्वीप समूह ये है रेड क्लिप ब्राउन का। और पश्चिमी प्रशांत के आर्गोनॉट्स ये है मैलनोवस्की का। और संरचनात्मक नृविज्ञान ये है लेवी स्ट्रॉस का। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 4, 3 4 2 1। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप इमाइल दुर्खीम, अंडमान द्वीप समूह ब्राउन, पश्चिमी प्रशांत के आर्गोनॉट्स, मैलोवस की संरचनात्मक नृविज्ञान लेवी स्ट्रॉस। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता को इसकी प्रस्तावना में शामिल किया गया? 7वां संशोधन 1956, 14वां संशोधन 1962, 4वां संशोधन 1955 और 42वां संशोधन 1976। राइट आंसर बताइए। किस संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्षता को, समाजवाद को और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया था? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, 42वां संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाल दुर्खीम, अगस्त कॉम। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने का विज्ञान है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, मैक्स वेबर। ये कथन मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी नामक पुस्तक को किसने लिखा? शीराइड मिस, मैनुअल कैस्टल, कॉलिंस कोहेन। राइट आंसर बताइए। द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, राइट आंसर क्या होगा? ये बुक है मैनुअल कैस्टल की, और ये इनकी बुक जो है 1996 में प्रकाशित हुई थी। द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, मैनुअल कैस्टल की बुक 1996 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क सोसाइटी को महत्व देता है? हैबरमास, उलरिच बेक, बोमेन, मैनुअल कैस्टल। राइट आंसर क्या होगा? वैश्वीकरण के साथ काम करते समय कौन नेटवर्क सोसाइटी को महत्व देता है? ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, मैनुअल कैस्टल ने। मैनुअल कैस्टल की बुक थी द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी।
इसमें इन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सार्वजनिक सेवाओं, समाज में इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया था। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक गतिशीलता के संबंध में प्रायोजित और प्रतियोगिता की गतिशीलता के बीच अंतर का प्रस्ताव किसने रखा था? लिप्सेट और जेटबर्ग, गोल्डथोर्प, टर्नर, ग्रुस्की। राइट आंसर बताइए। व्यावसायिक गतिशीलता के संबंध में प्रायोजित और प्रतियोगिता की गतिशीलता के बीच अंतर किसने बताया था? राइट आंसर है इसमें R.H. टर्नर ने। इनकी एक प्रसिद्ध निबंध आई थी, स्पॉन्सर्ड एंड कंसेंट, मोबिलिटी एंड द स्कूल सिस्टम, जो 1960 में आई थी। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पूंजी को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक संपत्ति का एक सेट, वंश के ऊपर होने वाले सांस्कृतिक संचरण, साखवाद जो किसी व्यक्ति को एक संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, किसी समाज के सामाजिक संस्कृति का अध्ययन। राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक पूंजी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन 1 राइट आंसर है, सामाजिक संपत्ति का एक सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जुआ नैतिकता पाखंड असमानता और कब्जे की नीति पर निर्धारित थी। निम्नलिखित में से किसने इस पर विश्वास नहीं किया? कार्ल मार्क्स, मैरी वुल स्टोन क्राफ्ट, एलेक्जेंड्रा कोलोंटाई, एंगल्स। राइट आंसर बताइए क्या होगा? बुर्जुआ नैतिकता पाखंड असमानता और कब्जे पर निर्धारित थी। ये है ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, मैरी वुल स्टोन क्राफ्ट। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। बुर्जुआ नैतिकता पाखंड असमानता और कब्जे पर निर्धारित थी। इस विचार पर मैरी वुल स्टोन क्राफ्ट ने विश्वास नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके माध्यम से सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कदम उठा सकती है? सस्ते सरकारी अस्पतालों की स्थापना, स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम और जागरूकता पैदा करना, शिक्षा और लोगों की अन्य बुनियादी जरूरत पर पैसा खर्च करना, ए और बी दोनों। राइट आंसर बताइए। ऐसे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके माध्यम से सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कदम उठा सकती है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए और बी दोनों। ऑप्शन 4, सस्ते सरकारी अस्पतालों की स्थापना। और स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम और जागरूकता पैदा करना, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण से है, नागरिकों को सरकार को टैक्स देना चाहिए। और कारण दिया गया, सरकार सभी नागरिकों के लाभ के लिए कई सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नागरिकों को सरकार को टैक्स देना चाहिए क्योंकि सरकार सभी नागरिकों के लाभ के लिए कई सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है। ऑप्शन 1 इसमें राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किससे बनी है? वार्ड पंच, सरपंच, जिला कलेक्टर। केवल एक, केवल दो, एक केवल एक और दो, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। ग्राम पंचायत किससे बनी है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड, केवल एक और दो, वार्ड पंच और सरपंच। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक राजतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस प्रणाली में राजशाही और संवैधानिक रूप से संगठित सरकार के बीच राजनीतिक शक्ति साझा की जाती है। सम्राट सीमित शक्तियों वाला विशुद्ध रूप से औपचारिक नेता हो सकता है। ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जिसकी संवैधानिक राजशाही है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक दो और तीन। राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसमें राइट आंसर होगा, इस प्रणाली में राजशाही और संवैधानिक राजतंत्र के बारे में पूछा है। तो इस प्रणाली में राजशाही और संवैधानिक रूप से संगठित सरकार के बीच राजनीतिक शक्ति साझा की जाती है। यह ऑप्शन सही है। सम्राट सीमित शक्तियों वाला विशुद्ध रूप से औपचारिक नेता होता है। और ऑप्शन थर्ड इसमें गलत है। ब्रिटेन एक ऐसा मात्र देश है जिसकी संवैधानिक राजशाही है। तो ब्रिटेन के अलावा अन्य और कई देश हैं जिसमें बेल्जियम, कंबोडिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, ये सब भी देश आते हैं जहाँ पर जो है संवैधानिक राजतंत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एक और दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बेटियों को संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति में बराबर संयुक्त उत्तराधिकार का अधिकार होगा, भले ही पिता किस वर्ष में पारित हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम से पहले मर गए हों। 2001, 2003, 2005, 2007। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किस वर्ष सुनाया था कि बेटियों को भी संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति में बराबर का अधिकार प्राप्त हो? और जिस वर्ष में सुनाया था उसके पहले चाहे पिता जीवित हो या उस वर्ष के पहले मर गए हों, लेकिन फिर भी बेटियों को हिंदू संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा। तो इसमें राइट आंसर है 2005। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जहां वास्तविक जीडीपी का संतुलन अस्तर संभावित जीडीपी से गिरता है डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। मंदी अंतराल, मुद्रास्फीति अंतराल, मांग पक्ष मुद्रास्फीति, आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ऐसी स्थिति जहां वास्तविक जीडीपी का संतुलन अस्तर संभावित जीडीपी से गिरता है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, मंदी अंतराल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता किसके द्वारा विकसित किया गया? मॉरिस डी मॉरिस, यूजन डीपी, महमूदुल हक, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर क्या होगा? जीवन विकास सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, मॉरिस डी मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत 1978 में किसने प्रतिपादित किया? लियो वाइगोत्स्की, जॉन बी वाटसन, बी एफ स्किनर, अगस्त कॉम्प्ट। राइट आंसर बताइए। मानव विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत
1978 में किसने प्रतिपादित किया था? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लियो वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कर का प्रभाव और भार एक ही व्यक्ति पर लगाया जाता है तो इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर। राइट आंसर क्या होगा? यदि कर का प्रभाव और भार एक ही व्यक्ति पर लगाया जाता है तो इसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सालाना कितने समग्र सूचकांकों के साथ मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है? 5, 6, 7, 9। राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सालाना कितने समग्र सूचकांकों के साथ मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है 5। 5 समग्र सूचकांकों पर के द्वारा, और 5 समग्र सूचकांक हैं मानव विकास सूचकांक, लिंग विकास सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, और 5वां है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है वाहनों का आवागमन, घर का धुआं, ताप विद्युत संयंत्र, उपनगरीय ट्रेनें। राइट आंसर बताइए। भारत के अधिकांश बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है वाहनों का आवागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है, भाषा धीरे धीरे कूकने, बड़बड़ाने, एक पदी ध्वनियों के वाक्य निर्माण को पूरा करने के क्रम में विकसित होती है, और कारण दिए गए विकास दर चरण दर आगे नहीं बढ़ता है। ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है, ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा भाषा धीरे धीरे कोकने, बड़बड़ाने, एक पदी ध्वनियों के वाक्य निर्माण को पूरा करने कि क्रम में विकसित होती है, यह ऑप्शन सही है, और विकास चरण दर चरण आगे नहीं बढ़ता है तो यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है, यहाँ पर नहीं दिया है इसलिए यह ऑप्शन गलत है। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन थर्ड, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लिपि से अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों का विकास हुआ है? देवनागरी, ब्राह्मी लिपि, खरुष्ठी लिपि, नागरी लिपि। राइट आंसर क्या होगा? किस लिपि से अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों का विकास हुआ है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास की विशेषता नहीं है? मानव विकास एक क्रमबद्ध क्रम में आगे बढ़ता है। मानव विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास शामिल है। मानव विकास सभी व्यक्तियों के लिए समान दर होता है। मानव विकास धीरे धीरे आमतौर पर लंबी अवधि में होता है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसमें पूछा है कि मानव विकास की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर होगा इसमें मानव विकास एक क्रमबद्ध में आगे बढ़ता है, क्रमबद्ध क्रम में आगे बढ़ता है, ये सही है। और मानव विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास शामिल है, ये भी सही है। मानव विकास धीरे धीरे आमतौर लंबी अवधि में होता है, ये भी सही है। मानव विकास सभी व्यक्तियों में समान दर से होता है, ये ऑप्शन गलत है। सभी व्यक्तियों में एक समान दर से नहीं होता है, ऑप्शन थर्ड इसमें गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान है? तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, दिल्ली। राइट आंसर बताइए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसका मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 में शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, था उच्च विद्यालय शिक्षा आयोग, तृतीयक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, प्राथमिक शिक्षा आयोग। राइट आंसर बताइए। का शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता था, वह माध्यमिक शिक्षा आयोग था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है माध्यमिक शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार में रहने के निम्नलिखित लाभ हैं। बड़े बच्चों से अच्छे संस्कार सीखते हैं, तो ये सही है। बड़े चीज़ों को दूसरों के साथ साझा करना सीखते हैं, ये भी सही है। और बड़े जिद्दी होना सीखते हैं, ये ऑप्शन गलत है, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सर्वेक्षण का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सामाजिक सर्वेक्षण का प्रकार नहीं है, जनगणना और नमूना सर्वेक्षण, मात्रात्मक और गुणात्मक सर्वेक्षण, प्रारंभिक या आवृत्ति सर्वेक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या है? निम्न में से कौन से सामाजिक सर्वेक्षण का प्रकार नहीं है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फोर, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अनुसंधान पद्धति के विशेष क्षेत्र में शामिल नहीं है? ग्रामीण समुदाय, सामूहिक व्यवहार, भूमि वितरण, सामूहिक संघर्ष। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा सामाजिक अनुसंधान पद्धति के विशेष क्षेत्र में शामिल नहीं है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है भूमि वितरण। सामाजिक अनुसंधान पद्धति में जो विषय शामिल है उसमें ग्रामीण समुदाय का अध्ययन है, सामूहिक व्यवहार है, सामूहिक संघर्ष है, निपटान संबंध अध्ययन है, सामाजिक और ग्रामीण समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सामाजिक अनुसंधान एक व्यवस्थित जाँच के रूप में नया हासिल करने के लिए सामाजिक घटना और समस्याओं के बारे में ज्ञान है, ये कथन किसका है? बोगार्डर, सीएम मोजर, पीबी यंग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। सामाजिक अनुसंधान एक व्यवस्थित जांच के रूप में कुछ नया हासिल करने के लिए सामाजिक घटना और समस्याओं के ज्ञान के बारे में है, ये कथन है सीएम मोजर का। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से साइबर अपराध नहीं है? क्वेश्चन में पूछा है कौन से साइबर अपराध नहीं है, डेनियल ऑफ सर्विस, मेलवेयर, AES, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। कौन साइबर अपराध नहीं है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है AES। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आप सबको कैसी लगी। थैंक यू।